भगवान जी भी ऑक्सीजन की तरह होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है और हमें उनकी जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए ना, ये जो ऑक्सीजन है ये हमें दिखती भी नहीं है, दिखती है लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते भाई। तो वैसे ही प्रभु जी भी ऑक्सीजन की तरह ही है जो कि हमें नजर भी नहीं आते हैं और हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। और अगर हम ठेके के ऊपर जाके दूध का गिलास वहां बैठकर पिएंगे तो भी हमें शराबी का दर्जा ही प्राप्त होगा। अगर हम मंदिर में बैठकर एक पानी का गिलास भी पी लेंगे तो हमें एक संत का दर्जा ही प्राप्त होगा। इससे हमें ये सीख मिलती है बात से कि हमें हम अपनी संगत जो है वो हमेशा अच्छी करनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि संगत का प्रभाव भी पड़ता है। किसी वक्त हम बड़े अच्छे होते हैं लेकिन हम कुसंगति में बैठ के अपना करैक्टर खराब कर लेते हैं, तो कृपया संगत का भी ध्यान रखिए। अच्छी संगत है उसमें बैठिए और बुरी संगत को प्यार दीजिए, ठीक है जी। बोलिए माई नहीं सचिया जोता बाई माता जी को हाथी सभी बोलिए, एक बार फिर बोलिए जय।